गाइस जस्ट अभी एक पंगा हो गया है। नीतू अपने शूट पर गई हुई थी तो मैं आ गया हूं विला पर। नीतू उसने टैडी ने तो गुच्ची की नाक में दम कर रखा है। सो गाइस अभी मैं बहुत क्रेजी चीज कर रहा हूं, मैं एक गिम्बल पे शूट कर रहा हूं व्लॉग। ओए लखनी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनी व्लॉग्स। आज मैं सोनी दीदी की फरमाइश पर बना रही हूं उनके लिए। क्या बना रही हूं बताओ? राजमा राइस। राजमा राइस? और मेरे सर में क्यों इतनी खुजली हो रही है? मेरे जूस साफ कर दो। मैं तीन बार वीडियो कॉल करनी है, याद है ना? एक सुबह में, एक वहां से वहां आ गया क्योंकि अभी सैंडी को डांट पड़ी है व्लॉग। सुबह सुबह सैंडी को डांट पड़ गई व्लॉगिंग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसने ना वहां पर शूट सिर्फ एक ही साइड का किया है ऐसे करके, तो उसको डांट पड़ गई कि क्या है ये, बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। लेकिन को तो व्लॉगिंग है। वो दिखा दो मेरे बर्थडे वाला। ये बर्थडे वाला है, इसके नीचे नीतू कीर्ति लिखा जाएगा। नीतू कीर्ति। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मुझे नीतू दिखता है, फिर मेरा दिन अच्छा जाता है, इसलिए ना। इतनी बड़ी बात, इतने भी एंगल चेंज नहीं करने तो पागल ही हो गया। या तो अपने आपको बता देगा तो कहाँ खड़ा हुआ है, क्या कर। चलो मैं आपके लिए राजा बनाती हूँ, फिर लंच मैं आपको पैक कर दूंगी ना। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपना पतीला रख लिया है और सोनी दीदी का गाजर, ये सोनी दीदी का राजमा के बाद मुझे निकलना है क्योंकि हमें बनाना है बहुत सारा पैकअप और हम लोग इस बार ही बहुत लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारा पैकअप चाहिए। तो मैं बस लगी हुई हूँ कि खाना जल्दी से बन जाए ताकि हम लोग। भैया वो नहीं है, सरसों का तेल नहीं है? हाँ है। सरसों का तेल दो। अगर आप राजा बना रहे ना, सरसों के तेल में बनाना, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है राजमा, आज इनके लंच में यही पैक करना है, ठीक है? नहीं हाँ वो दे देना लकड़ी की चम्मच, ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। लखन हाँ। राजा बना रही, सुबह सुबह तुम भी उठ गए? हाँ, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गए यार। चलो अच्छा है, मैं ठंड के टाइम पे हम खड़ा मसाला जितना मर्जी हो डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने सबको ड्यूटी दे रखी है। भैया एक कटोरी दे दो कि कौन कब कब कहाँ कहाँ जाएगा, तो वो सब लिखा हुआ है ना पुनीत? पुनीत तुम कहाँ जाओगे? मैं बस इस रूम से निकल के नेक्स्ट स्टूडियो पे। बुआ जी देखेंगे इसलिए बता नहीं रहा है, कहता है भाभी मुझे दो दिन की छुट्टी देते ना अपने यारों के साथ, गड्डी छेड़ी मारूंगा। बोला नहीं पुनीत तुमने? ये देखो मेरा बच्चा भी आ गया सुबह सुबह। बताओ ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? अब तो तुम पता ही चल गया होगा। ये दोनों ही आपके पीछे घूमते हैं। बड़ी इलायची और गाय खड़ा मसाला, ये दे इसके। ठंड में यार यही अच्छा है कि खड़ा मसाला जितना आपका मन चाहे आप डाल सकते हो, कोई लोड नहीं है। वो भी दो मुझे हींग। सोनी दीदी का पेट कहीं गड़बड़ ना कर दे, हींग ना दी तो मैंने। ये सारा मम्मी लेकर, ये सारा मम्मी लेकर है ना गरम मसाला, तो बहुत ही सिंपल है। बड़ा इलायची पहले, हाँ सब कुछ मिल गया। पहले तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद उसमें हींग डालेंगे, फिर उसमें डालेंगे ये क्या, ये कड़ी पत्ता। क्योंकि पता है आप सोच रहे हो मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूँ आज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है आज करने को, बहुत सारा, लेकिन इतना काम मेरे पास अभी तक हुआ नहीं। तो मेरे पास, मेरे को ब्रांड्स भी करने हैं, मुझे शूट भी करना है, मुझे अपना पर्सनल शूट भी करना है, तो यार हो जाता है कि आपका माइंड इधर भी नहीं रह पाता, उधर भी नहीं रह पाता, इसीलिए। तो अब मैं दिखाती हूँ इधर। सुबह सुबह मैंने चंदो को भी बुलाया है, क्यों बुलाया बता? वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि हमारा बैकअप बनाने के लिए, बैकअप बनाने के लिए इसलिए बुलाया। खैर ये वैसे भी यहीं पर रहती है। गुची को देखना कितना चालू है, उसको उसने ना वो ट्रॉफी चुरा ली है, अब मुझे वहाँ से उसकी ट्रॉफी हटानी है, दिखाना उसको वहाँ से वो ट्रॉफी हटानी है किसी भी तरह, देखते हैं मैं कामयाब हो पाती हूँ या नहीं। अभी अभी उसको दो मिनट के लिए सोने देंगे और जैसे ही उसने आंखें बंद करी वैसे ही मुझे वो ट्रॉफी हटानी, वरना वो मेरा हाथ काट लेगा। देखते हैं मैं इस टास्क में सक्सेसफुल हो पाती हूँ या नहीं। तू इधर ही रह। उठा लिया। ओह माय गॉड, ये मेरा हाथ काट लेता अगर मैं बची हूँ। देवी ये कॉफी आप खाओगे आपका पेट खराब हो जाएगा, मीठा नहीं खा सकते ना भैया? सॉरी आप मीठा नहीं खा सकते, आप मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। चलो अच्छा है मैं बाल बाल बची हूँ, वरना ये खा लेता ना मेरी जान को आफत पड़ती। चलो मैं खाना बनाती। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आज हमारी ट्रिप की तैयारी होने वाली है, तो जितना भी पैकिंग का काम है हमें सब आज निपटाना पड़ेगा। पूनम बहन यहाँ पर सो रही हैं और आपको पता है सोने के टाइम बहाना क्या मारती हैं कि इनको नज़र लग गई है। नज़र लगी पूनम बहन आज? यार बहुत बहुत सही इनका प्लान लगता है मेरे को कि सो जाओ और फिर कोई खुशी बोले नज़र लग गई है मेरे को। अगर तुम्हें नज़र नहीं लगी, तुम्हें आलस लग गया आलस। नीतू कहाँ पे है? नीतू कम हियर।
लोग पूछ रहे हैं कि आप बता दो फाइनली आप कहाँ जा रहे हो, बता दें क्या हम या वहीं जाके बताएं? नहीं बता देते हैं, वहीं जाके बताएंगे। नहीं लेकिन बता, वही तो उल्टा पड़ गया मेरे, मुझे लगा मना करेगा, उसने बोल दिया बता देते हैं। नहीं हम वहीं जाके बताएंगे, वहीं जाके, क्योंकि ना कुछ बहुत स्पेशल है, मेरी ड्रीम जगह है यार, तो अब ड्रीम जगह ऐसे थोड़ी ना बता दूंगा, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा आपको। अरे वाह, अभी तो क्रिसमस भी नहीं आया, सेंटा क्लॉज कैसे रेडी हो? सेंटा क्लॉज इधर देखो, इधर डूची, इधर देखो। ओले वाह डूची, बेतू 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 बेतू, ये आया, इसने गुच्ची की नाक में दम कर रखा है। नो टैडी नो, नहीं तो इसने टैडी ने तो गुच्ची की नाक में दम कर रखा है। तो गुच्ची सही है ना, हमारा गुच्ची लग रहा है एकदम, देखो सेंटा। ए डूची, तो ट्रिप पे जाने से पहले मैंने सबसे पहले इसका एक नया ट्राईपॉड मंगाया और मैं तुषार से सारे इसके फंक्शन सीख रहा हूँ। तुषार क्या लगता है भाई? अच्छा बलचू, बलचू बलचू मैंने सीखा है नीतू की मम्मी से, कहना बलचू। तो दोस्तों कल जो हमारी ट्रिप है ना, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया शॉपिंग में कि मैं बहुत सारे गर्म कपड़े लेके आया हूँ, लेकिन थैंकफुली आप सबकी प्रेयर्स का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो मेरा गला ख़राब था वो पहले से काफ़ी बेटर, मतलब 20% रहा होगा, 80% मैं रिकवर हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं लापरवाही नहीं बरतूँगा क्योंकि वरना ट्रिप में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। फिलहाल मैं ट्रिप के पहले अपने यहाँ वाले काम निपटा रहा हूँ, यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना लैपटॉप वाला काम निपटाऊँगा और उसके बाद फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगा, ताकि कुछ भूलूँ ना। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि कहीं भी मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या सामान लेके जाना है, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना। तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है, कई बार ट्रिप पर पहुँच के याद आता कि यार ये तो हम लाया ही नहीं। मैं इस बार टॉवल भी लेके जाऊँगा क्योंकि हम लोग स्टे करने वाले हैं कहीं अपने घर में, वो आपको पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सर्दियों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है धूप में बैठना, बट नीचे कुछ होना चाहिए क्योंकि फ़र्श पे तो बैठा ही नहीं जाएगा। तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गद्दा मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये जो टैडी का घर है ना, मैं ये लेकर आ गया हूँ, इसी में बैठ जाऊँगा। देखो अब इसी पर बैठ जाऊँगा, क्या टैडी का क्या मेरा, टैडी भी तो मेरे बेड पर बैठता है, मैं उसके बेड पर बैठ गया तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, यहाँ आराम से बैठूँगा। यस टैडी आई एम सॉरी बेटा, बट योर पापा नीड्स दिस एट द मोमेंट, तो इसीलिए ये ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ सर्दी में बैठ के, धूप में बैठ के कुछ थोड़े से अपने काम निपटा लेता हूँ, ताकि ट्रिप पे कोई टेंशन ना हो। ट्रिप पे मैं एकदम टेंशन फ्री जाना चाहता हूँ, ताकि मैं इन्जॉय करूँ। मैं इन्जॉय करूँगा तो आप भी इन्जॉय करोगे, क्योंकि जो भी इंसान फील करो तो आपको कैमरे पर दिखता है ना। कहीं जस्ट अभी एक पंगा हो गया, नीतू अपने शूट पर गई हुई थी और घर आई थी वो चेंज करने के लिए, चेंज करके जब दोबारा गई तो मुझे पता चला वो ये माइक अपना इधर ही भूल गई है। भाई माइक देने के लिए मैं जाता हूँ वहाँ पे, वरना उसका शूट रह जाएगा। एक्चुअली क्या आप लोग देखते हो फेसबुक पर वीडियोस आते हैं डेली, नीतू के दो वीडियोस आते हैं नंद भाभी वाले, तो हम जा रहे हैं अप्रॉक्स 10-15 दिन के लिए बाहर, तो वो 10-15 दिन का बैकअप बनाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसी के लिए बेचारी सुबह से पिछले 3 दिन से, मतलब नीतू भी पूनम दीदी भी दोनों लगी हुई हैं कि बैकअप अपना बने, ऐसा ना हो एक दिन भी ऑडियंस मिस करे, लोगों को डेली नया कॉन्टेंट दिखाना है इसी वजह से। तो चलो अब इसको जल्दी से देख के आता हूँ, वरना जितना मैं यहाँ ज्ञान दूंगा इतने में एक वीडियो तो वैसी बन जाएगी उसकी। तो अपनी मर्सिडीज आज और चलाऊंगा मैं, उसके बाद फिर 15 दिन का गैप। भाई लीजिए संडे भाई, ये नीतू ही बोली है ना? हाँ नीतू ही बोली, एक ही है, एक ही माइक है। हाँ फोन भी उसका आपके पास? हाँ फोन भी ले जाओ उसका, ये फोन भी मैं लेके आ गया हूँ उसका, ये दोनों तो मेरे हैं, ले लो। ठीक है, हाँ ठीक है, शूट कर रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ विला पर, क्योंकि कल ट्रिप पर जाना है, उससे पहले बहुत सारे काम थे जहाँ पे निपटाने हैं मेरे को। ओ शिट, तू दोनों हाथ में बैग में, एक हाथ में कैमरा, भाई तो इधर ही बैठे हुए हैं। भाई नमस्ते, फोन गिर गया, ये लो। सबसे पहला हिस्सा इसको चाहिए अपना, उसके बाद घर में घुसो कुछ भी करो। हाँ, इसका पहले इसका वाला इसका कमीशन सबसे पहले है, बाद में सारे काम। इसका कमीशन पहले बाबू का नाम, ये लाल चीनी है ना, इसको तो बेचारे को दे दो, भले माना उसको तो ठीक है, दे दो। अब उसको छुपा के देना पड़ेगा, अब इसके लिए यहाँ डालना पड़ेगा वरना लड़ेगा इससे। खाले 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 खाले। ऑस्कर और शीरो में यही है कि ऑस्कर लड़ जाता है तुरंत अगर किसी और को कुछ भी दे दो थोड़ा सा, शीरो अपना भला है बिल्कुल एकदम। डबल डबल दो बार में देता हूँ, दो बार में इनको ये लगता है ज्यादा दे दी दो बार। अच्छा बहुत मौका आ रहा है वाला, मतलब दो बार दे दी तो इसका ज्यादा दे दी, ऐसे एक ट्रीट इसकी आधी कर करके दो दे दो तो लगता है दो बार दे दी है। सो गाइस, ये हमारा नया गिम्बल आया है, तुषार इसकी अनबॉक्सिंग कर दे जल्दी से भाई, और ये इसलिए है ताकि, हाँ बैग अच्छा है इसका। अभी जब हम जाएंगे ना अपने ट्रिप पे तो हम बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स बनाएंगे, मैं बनाऊंगा। ये बड़ा हैंडी सा गिम्बल है, बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट है वर्ल्ड का ये गिम्बल, तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तुषार इसकी अनबॉक्सिंग कर ही रहा है, कर दे भाई। क्या किसको करवाएं? सनी बंद पड़ गई, बंद तो पड़ेगी भाई, उसमें बैटरी, उसको थोड़ा सा ईंधन दो, उसके थोड़े पेट में कुछ रखो। इनसे बोलो ये सैंड, सनी तो सैंड भाई से कुछ मत कहो भाई, सनी तो सैंड सैंड भाई का हिसाब किताब मैं समझ गया हूँ।
सैंडी भाई से मुझे एक ही चीज की एक्सपेक्टेशन है, वो है नो एक्सपेक्टेशन। गजब बेइज्जती है। जो ये बंदा कर दे बोनस है, वो समझ रहे हो होता ना बोनस का ऊपर से होता है, यहाँ से तो जो आ जाए बोनस ही है। चेरी ऑन द टॉप। हाँ, को गाड़ी एक बार जेब के अंदर चलने की, एक बार क्या हुआ स्टूडियो में बहुत रेड से भी थोड़ा साइड में हो रहा पेट्रोल, वो जो हुआ वो रेड से दर हो रही, तो सैंडी भाई मेरे से कहते हैं पेट्रोल ले गए ठीक है ना। अब सुनो, पांच मिनट बाद सैंडी भाई स्कूटी ले गए, फिर आए इसमें पेट्रोल ले ठीक है, फिर ले गए इसमें पेट्रोल ले, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गए, उसमें पेट्रोल पता नहीं कब डलेगा। और उसके बाद वो लेकर गया था सुधीर, उससे कह रहे तूने पेट्रोल कहाँ डलवाया। अरे मेरे को याद है एक टेस्ला में फीचर है ये, कि टेस्ला में अगर टायर खिंच जाते हैं तो अपने आप ऑर्डर कर लेती है। अभी स्कूटी बेचारी बोल नहीं सकती, कैसे बोले कि जी मालिक मालिक मैं मर रही हूँ भूख में तड़प रही हूँ डीजल पेट्रोल पिला दो। तुषार दिखी भाई इसका साइज दिखा, सी गाइस कितना हैंडी है ये, वाह यार मजा आएगा इससे ब्लॉग बनाने में, इस पर कैमरा तो अच्छी तरह आ ही जाएगा। हाँ इसको तो मैं एज अ ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकता हूँ, बहुत हैंडी चीज़ है, मैं एक बार यूज़। और इसमें सबसे चीज़ है इसमें एक लाइट भी है, कि अगर मैं कभी रात में शूट कर रहा हूँ कोई चीज़ और प्रॉपर लाइट नहीं है तो इसकी लाइट LED जल जाती है, ताकि आपको बहुत प्यारे शॉट्स देखने को मिले। इस पर एक बार कैमरे लगा के देखता हूँ पहले। सो गाइस अभी मैं बहुत क्रेजी चीज़ कर रहा हूँ, मैं एक गिम्बल पर शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, फॉलो मोड मैंने इसका ऑन किया हुआ है, तो अभी देखते हैं भाग के दिखाता हूँ। इसमें शेकीनेस आई या नहीं आई वीडियो में बताना मेरे को, मैं इसको बहुत शेक कर रहा हूँ और टेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ट्रेन आ रही है, हट जाओ 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 हट जाओ। ब्रेक लग गए सही टाइम पे, वरना ट्रेन दूसरे वाले बजाय गिरती। अब चेक करता हूँ एक बार कैसी आई। गाइस आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं एक चश्मा लेकर आया था, वो चश्मा वैसा नहीं आई साइट वाला नहीं, लेकिन ऐसा ही था, ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उसमें ब्लू रे ग्लासेस उसमें मैंने लगवाए हुए थे, ताकि मैं अगर स्क्रीन पे काम करता हूँ लैपटॉप पे तो कुछ फर्क ना पड़े आंखों पे। बट वो चश्मा ही मेरा मिसिंग है। मेरे साथ क्यों होता है कि मेरा कोई सामान मिस हो जाता है। पूरम बहन ढूंढवा दो यार, चावल काट गया। मैं भाई ढूंढ रही हूं ना, कहां बहुत ढूंढने गई थी, मिली नहीं ना। सब ढूंढ रहे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूं, आप लोगों को बताना जरूरी होता है ना, आप भी तो मेरे फैमिली मेंबर हो। मिल गया दो यार दो। अब सोचो गुची, ओ हो इसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई, गुची ने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी, ग्रीन में आता था अभी इन्होंने सिल्वर से मैं कर दिया, इस पर नजर नहीं पड़ी किसी की, तो इसमें मेरा चश्मा आपको लगा के दिखा दो मैं कैसा लूंगा उसमें। ओके भाई पूरा कमेंट सेक्शन भर देना आज मेरी तारीफों से, और मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, ये चश्मा लगा के पड़ाकू सा लग रहा हूँ, वैसे पड़ाकू हम कभी नहीं रहे, मतलब सपने में भी पड़ाकू नहीं रहा मैं, लेकिन इसमें मुझे देख के खुद को फील आ रही शक्तिमान जैसी। कैसा लग रहा हूँ तुषार में, विराट कोहली जैसे लग रहे हो थोड़े थोड़े, विराट कोहली के चश्मा थोड़े लगा हुआ भाई, इसमें मैं पड़ाकू लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। रोहित भाव कैसा लग रहा हूँ मैं, तू भी तो ऐसे ही है, चश्मे वाले अब दो हो गए, लेकिन इसमें जो भी लेंसेज हैं वो मुझे चेंज कराने, इसमें ब्लू रे लेंसेज डलवाने हैं, ठीक है, कल जाके कोई सा बंदा हमारा डलवा के लाएगा, ताकि मेरी आंखों पे कोई दिक्कत ना आए। जो भी लोग स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपने लेंसेज चेंज करा लेना, ताकि आपको सच वाला चश्मा पहनना ना पड़े। तो कैसा लगा मेरा नया लुक, जिनको फोटो खींचने खींच लो, जिन पे स्टोरी पे मीम बनाने मेरे बना लेना, दिस इज़ फॉर यू। भाऊ भाऊ पहले ये देख कैसा लग रहा हूँ मैं, उधर क्या देख रहे हैं, यहाँ देखना क्या, वहाँ क्या देख रहे तुम्हें, नहीं वहाँ इस वाले लेंस में देख, उसमें क्यों, तू लेंस है वो भाई, इसे थोड़े दिन के लिए विपासना केंद्र भेजना, ये देखो मैंने एक मीम, तो इसमें मीम कौन था, पूनम मैंने या नीतू, नहीं अब देखो इसमें कितना भर भर के खाते हैं यार, है भाई है, देखो पूरा मतलब पूरा घर, पूनम मैंने क्या कहना चाहो, कैसा लग रहा है इसी बताओ मेरे को, अच्छा लग रहा है यार, मेरी तारीफ करते जाओ भाई सुबह से शाम तक, उसमें यही चाहता हूँ। अच्छा लगेगा, खासियत है दीदी में, कैसा सब डबल चिन कम करना चाहते हैं, दीदी कहती है दो है ना वो पांच होनी चाहिए, नहीं सबसे देखो भैया अभी आपने भाभी की प्रोटेक्शन है, भाभी की वीडियो कट का नहीं लगता, ये स्प्रिंग है स्प्रिंग, आपके पास है चिन वन, ये रहा चिन टू, ये चिन थ्री, ओहो चिन वन चिन टू, इसका चिन टू नाम का कैरेक्टर है नीतू की वीडियोस में, पन मारा पन। वैसे ये देख के मेरे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि नीतू ने अपना बैग पूरा लगा लिया, मेरा भी खुला भी नहीं है, मेरी पैकिंग कितना भी मैं ट्राई कर लूँ वो कल से पहले होगी नहीं, कल ही होगी, कल सुबह मेरे को ट्रिप की टेंशन होगी, फिर पैकिंग की टेंशन होगी, फिर सोने की टेंशन होगी, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट है, बहुत लंबी। मैंने कुछ ज़्यादा हिंट नहीं दी वैसे अपने ट्रिप की वजह से, है ना, आप गैस तो कर ही लोगे, अब कूद कूद के भौंक रहा है भाई, आ जा आ जा आ जा, अरे कौन है भाई ऐसा बाहर, कौन है यहाँ से तो नजर भी नहीं आ रहा, अरे ये भाग क्यों रहा है, पता गुची को भी नहीं है, बस भाग रहा है ये देख पुनीत, तू ना पूरा माहौल खराब कर दिया तूने, यहाँ किसको पकड़वा रहा है तो बता दे ना, उसको पता ना तुझे ही पता, ये देख वही बरार भौंक रहा है देख, ए भगवान भाई
वो भी बराबर भौंक रहा है गुच्ची इसके साथ, उसको भी नहीं पता किस पे भौंक रहा है। तो गाइस जितना ये यहाँ चिल्ला रहा था भौंक रहा था, मैं सुबह लेके जा ही रहा हूँ, मैं देखूंगा जी क्या करेगा, मतलब जितना ये यहाँ बदमाश बनता है आज देखो करेगा क्या मजा आगे। चल बेटा आज मुझे देखना है इसके पास कुछ प्लान है मजा, यहाँ से बहुत शेर बनता है। अच्छा बेटा चल चल चल, अरे अभी से घबराने लगा। और तीन लोग आप ये मत सोचो कि इसलिए आए हम के गुच्ची को पकड़ेंगे, हम इसलिए आए कहीं कई बार जाके इसको भगना जाए वहां से। आइए गाइस, मुझे नहीं समझ आया कि करा क्या इसने, मेरा वर्कआउट करा दिया। इसलिए आया था तू, हे भगवान। सो गाइस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप सबको पता है कीर्ति दी ने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि दीदी के लाइफ में कितना स्पेशल अभी कुछ हुआ है, उस सब के आप लोग वीडियोस के वेट कर रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, दीदी का ऑलरेडी चैनल है कीर्ति रावत नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। दूसरी चीज़, जो भी फेक चैनल्स उसके नाम पर बनाए हुए हैं ना, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि उसकी वीडियो डालते ही सेम वीडियो अपने चैनल पर डाल देंगे, तो देखो स्ट्राइक आएगी सीधी, पेजेस आप लोग के उड़ जाएंगे। प्लीज़ मुझे बातें मत बोलना, मैं सॉरी पहले ही बोलता हूँ, लेकिन मत करने चीज़। उसका स्पेशल मोमेंट है, मैं भी उसके क्लिप्स नहीं डाल रहा, मैं भी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, मैं आप लोगों को बस यही सूचित करना चाहता हूँ कि आज ठीक 11 बजे उसके चैनल पे वीडियो आ जाएगी, आप लोग जाके देखना, बहुत सारा प्यार करना। और प्लीज़ दूसरे लोग मिसयूज़ मत करना वीडियोस को, उठा उठा के अपने चैनल पे मत डालना, बिकॉज उसका मोमेंट है। देखो प्लीज़ फेक पेजेस वालों, मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, बाद में फिर मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ओके। और दूसरी चीज़ यार, क्या हम चैनल की पहली वीडियो को ट्रेंड पे ला सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता ला सकते हैं या नहीं, इसका जवाब आप लोग दोगे। वीडियो पूरी देखना आप शुरू से एंड तक, ओके, उसको लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना, उसको शेयर ज़रूर करना, ये सारी चीज़ें करोगे ना तो इससे हेल्प मिलती है वीडियो को ट्रेंड में आने के लिए। तो देखते हैं आज का हमारी का बहन का व्लॉग ट्रेंड में आएगा या नहीं। 11 बजे कीर्ति के चैनल पे, मिस मत करना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, यहाँ भी डाल दूंगा, जाके बेल आइकन दबा देना ताकि जाते ही आपको पता चल जाए कब वो वीडियो आने वाली है। मिस नहीं करना भाई, वीडियो में तबाही मचा देनी, ओके, पक्का। I count on you, okay? Bye bye. Good night. Sorry, good morning. मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ ना, ये दो दिन बाद बना रहा हूँ, जब आपने व्लॉग देखा उससे दो दिन बाद का ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं जस्ट अभी अपनी ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, जो कि आपको अंदाज़ा लगी गया होगा, बहुत अमेजिंग होने वाले हैं वहाँ वाले व्लॉग्स मेरे, हम बहुत एक्साइटेड हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला। तो कीर्ति बहना को बहुत प्यार देना और दिखा देना अपनी पावर, ओके गाइज। अब मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ सब चीज़, मैं फ़्लाइट में होऊंगा, 16-18 घंटे की फ़्लाइट है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा दिन दुनिया में क्या हो रहा है। जब वहाँ पे उतरूंगा तब मेरे को देखा कि क्या आप लोगों ने करा, तो मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल।